हम लोग अभी हुसैनी ब्रिज पे जा रहे हैं। पाकिस्तान का ये सबसे खतरनाक ब्रिज है। कहा जाता है कि इस ब्रिज के ऊपर जो भी जाता है वो मौत के कुएं में जाता है, मौत के मुंह में जाता है। मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे इस ब्रिज के ऊपर जाना, आई डोंट नो कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे यह है कि यार मुझे खतरों के खिलाड़ी क्योंकि बहुत पसंद है, तो मैं जरूर ट्राई करूंगा कि मैं हुसैनी ब्रिज के ऊपर जा सकूं। भाग मलिका भाग, तेरी इज्जत का सवाल है। हुसैनी ब्रिज को इसलिए भी खतरनाक कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स हैं और कुछ स्टेप मिसिंग हैं, और जो स्टेप मिसिंग है अगर आपका, जब आप ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हो तो आपको डबल एफर्ट के साथ दूसरे स्टेप पे जाना होता है, और अगर आपका पाँव स्लिप हो जाता है तो आप सीधे मतलब आप सीधे पानी के अंदर, और आप पानी का जो टेम्परेचर वो माइनस में है, और अगर आप डूब रहे हो, आपको स्विमिंग आती भी है तो आपको ठंडा, इतना ठंडा पानी है कि आप शायद वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और अगर आपको कोई स्विमिंग आती है या आपको कोई बचा लेता है तो भी आप मुश्किल ही बच पाओगे। पासोकॉन के आगोश में बहते हुए इस दरिया का मंजर बहुत बहुत खूबसूरत है। तो आप हुंजा से खुंजराब जाते हुए या वापसी पे इसको विजिट कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल मिड में है। हम लोग हुसैनी ब्रिज पहुंच चुके हैं, रोड पे हमारी गाड़ी खड़ी है, और अगर आप रोड से नीचे अगर बाय वॉक आते हो, क्योंकि गाड़ी नहीं आ सकती, कच्चा रास्ता है, आपको पैदल ही आना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट की वॉक पे आप आओगे नीचे, उसके बाद आपको हुसैनी ब्रिज तक आप पहुंच जाओगे। बाकी कोई भी अभी तक पूरा ब्रिज क्रॉस करके आगे तक नहीं गया, और मुझे नहीं पता कि मैं भी वहां तक जा सकता हूँ कि नहीं, या सिर्फ 2-4 स्टेप्स करने के बाद वापस आऊँगा। हुसैनी ब्रिज का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था, उतना हॉरिबल नहीं है जितना मैं सोच रहा था, बट ये जो हाइकिंग करके आप ऊपर आते हो और नीचे जाते हो वो थोड़ा सा है कि आपका सांस फूल जाता है, अदरवाइज हुसैनी ब्रिज इतना कोई हॉरिबल नहीं है। Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad.